बेटा पैदा करते करते 5 बेटियां हो गई। बेटियों के दिल में अपने पेरेंट्स के लिए बहुत प्यार होता है। मैं भी सुपरस्टार थी। मूवीज में आने का क्या सीन था? इश्क नमूदार हुआ। अक्सर ये देखने में आया कि जो वर्किंग वुमेन होती है वो अपने बच्चों की तरफ उस तरह से तवज्जो नहीं देती या वो ख्याल नहीं रख पाती कि जिस तरह अभी आपने फरमाया कि आपके जहन में ये है कहीं ना कहीं कि आपने अपनी बेटी को इस अंदाज से पालना है कि उसने अगले घर में जाके आपके लिए बाइस फखरी वो साबित होना, तारीफें ही करवाए और माशाल्लाह तारीफें करवाई भी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी ट्रेनिंग मेरे ख्याल में आपको भी आपकी वालदा से मिली। ऑफ कोर्स मेरी वालदा ने मेरी ट्रेनिंग की और मुझे तमाम, और उन्होंने ज़्यादा सख्ती से पाला क्योंकि शी वॉज फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, तो उनका जो कल्चर है ना दिल्ली वालों का, वो बेटियों को जरा सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाते हैं। अच्छा, कि जी ये तो पराया धन है, इसको सिखाओ, इसको ये करो। बेटा जो जिंदगी का सहारा होता है, ये कल्चर रहा है, आज भी है, क्योंकि ये जो है ना कि ओहो बेटा पैदा करते करते 5 बेटियां हो गई। हाँ, ये अभी तक है ना, अभी तक ऐसा ही। हाँ, हालांकि बासोकात ऐसा भी होता है कि बेटियाँ बेटों से बहुत आगे निकल जाती है और हमेशा बेटियों के दिल में अपने पेरेंट्स के लिए बहुत प्यार होता है। हाँ जी, ये भी देखने में आया है कि जो बेटी होती है उसकी अपनी बाप के साथ, माँ के साथ जो एफिलिएशन होती है, वो बेटा उस तरह नहीं करता। बेटा आता है हाल चाल बस पूछ के अपने कमरे में, लेकिन बेटी हर वक्त, जैसे कहते हैं 24/7, बस उसके जहन में ये होता है कि मेरे माँ बाप को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। जी नहीं, एक्चुअली जब बेटा डिपेंडेंट होता है ना जी, एक 9-10 साल की उम्र तक, हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा माँ से अटैच्ड होता है। ठीक, उसके बाद जब वो इंडिपेंडेंट होता है, फ्रेंड्स मिलते हैं, तो ये साइकी है कि बच्चे थोड़े से ना पेरेंट्स से केयरलेस हो जाते। लेकिन बेटियां भी तो होती हैं, बेटियां शायद उस तरह नहीं होती। सही नहीं, वो जो लड़के होते हैं ना, वो तो बेगमात को प्यारे हो जाते हैं। जैसे प्रॉब्लम ये है, ऐसा ही है हमारे माशरे में ना, तो वो ज़ाहिर है बेगम की ज़्यादा सुनते हैं फिर जब। अच्छा, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, वैसे निशा साहिबा आपको इस बात की दाद देनी पड़ेगी, मतलब इतनी सीरियसली। हाँ बिल्कुल, इस वजह से कि आपने जिस तरह कहा ना कि बेटे प्यारे हो जाते हैं अपनी बीवियों को, मैंने रैम्बो भाई का भी देखा सारा, लेकिन इन्होंने अपने सास ससुर के साथ जिस तरह लाइफ गुजारी, प्यार मोहब्बत जो था, वो साफ दिखाई देता है कि एक अच्छे ख़ानदान की एक जो है, ज़रूरी नहीं होता कि कोई वर्किंग वुमेन है तो वो शायद घर को उस तरह अच्छा संभाल नहीं सकेंगी, इन्होंने हर तरीके से वो चीज़ पूरी की है। बिल्कुल, मैं भी, हालांकि मैं भी सुपरस्टार थी, मेरा बेटा होने वाला था, 8th मंथ था, तो मैं अपनी सास की टांगे दबा के सोती थी। माशाल्लाह, तो बहुत वो उन्हीं दुआओं का असर है। दुआओं का असर है अनडाउटेडली, मेरी माँ की दुआएं भी हैं, मेरी सास की दुआएं भी हैं, और मेरे बच्चों की भी दुआएं हैं। मैंने इन्हें कोई इरिटेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने जी भर के किया है। अच्छा, हाँ, मैं यहाँ से अब मैं साहिबा से पूछना चाहूँगी, आपने क्या, कौन सी ऐसी बात थी जो आप कहती थी अम्मी ने अगर ये कही मुझे तो मैंने माननी नहीं है? बचपन, ये करने नहीं, सारा बचपन में था। हाँ, लेकिन वो क्या होता था इस तरह का? वो मुझे ना सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं थी, दिल नहीं जाता था। नहीं तो जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने से पहले तो होता था ना, उठना, तो वो उस वक्त मुझे भूख नहीं लगती थी तो मैं नाश्ता किए बगैर चली जाती थी। तो ये कुछ नहीं कहती थी? नहीं कहती थी, ये नाश्ता लेकर पीछे आ जाती थी। ओह अच्छा, तो वो उससे मैं भी इरिटेट होती थी और ये भी होती थी कि मैं इन्हें कह रही हूँ कि क्या आप यहाँ ले आई हैं। अच्छा, लेकिन स्कूल जब, हाँ जब स्कूल जब जाते हैं तो फ्रेंड्स तो कहती होंगी वाओ फिल्म स्टार, सुपरस्टार, वो आई हैं, इनकी मामा आई हैं, वो तो सारे देखने के लिए भागते होंगे बच्चे। हाँ बिल्कुल, एक दफ़ा मेरी एक फ्रेंड थी तो उसने मुझे, इनको देख के वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हुई कि उसने मुझे कहा कि, मुझे कहना था कि मेरा असली नाम मदीहा है, कि मदीहा तुम्हारी अम्मी कहना था। तो उसने मुझे कहा निशो तुम्हारी अम्मी। मैं काफी देर उसका मजाक उड़ाते रहे, हंसते रहे, तो वो इतनी एक्साइटेड हो गई। तो वो अभी भी मिलती हैं? अभी भी उनसे कोई लिंक नहीं है? फ्रेंड्स बहुत कम, हाँ है, लाइफ में सब अपने अपने बिजी हो गई और कुछ मुल्क से बाहर चली गई, तो वो इतना ज्यादा साथ नहीं रहा, तो मैं मूवीज में आ गई थी तो इस वजह से। अच्छा, मूवीज में आने का क्या सीन था? मतलब वो एक स्ट्रिक्ट मदर थी, ठीक है, उन्होंने ये भी देखना था भाई लड़की ने बड़े होके अपना घर संभालना है, तो फिर आप
मूवीज की तरफ जा रही थी। आप जरा इसकी जबानी पूछे ना कि मूवीज में आने के लिए मैंने इसको कितना मना किया है, कितना मना किया है। अच्छा, लेकिन वो एक इंस्पिरेशन जो चल रही थी बचपन से कि इनको देख के, जैसे मैंने बताया मेरी फ्रेंड्स पागल हो जाती थी, बिल्कुल आप भी चाहती थी मेरे भी इसी तरह फैंस हों, वो एक चीज शुरू से चल रही थी, लोग इतना प्यार करना, फैंस मिलने, कहीं जाना तो वहाँ पे चीफ गेस्ट ही जाना, अभी तक माशाल्लाह। निशु जी, जब आप रोल मॉडल बन के आएंगे तो फिर तो यही होगा। तो वो जाहिर है वो एक असर था छोटे से दिमाग पे, तो वो मैंने कहा कि यही काम अच्छा है और यही करना है। और ये इसलिए मुझे मना करती थी कि क्योंकि बहुत टफ जॉब है, टफ जॉब थी। हाँ। और ये इतनी सादा सिंपल और इतनी छोटी थी, मैंने कहा गैर जिम्मेदाराना जहन है, इमेच्योर जहन है, इसका कोई पता नहीं, आधी फिल्म करके कहे बाकी मैंने नहीं करनी। अच्छा, ये इस तरह की मूवी थी? ऐसा किया ना इसने? यस। वो कौन सी मूवी थी जिसपे? कुछ मूवीज ना, जब इनको इनके यहाँ इश्क नमूदार हुआ फिर कहती कि बाकी जो आधी फिल्में वो मैंने नहीं करनी। क्यों, उनकी तरफ से उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन? नहीं नहीं, इमेच्योर। तो इसीलिए मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि शादी जब तक ये मेच्योर नहीं होती मेंटली, जैसे फिल्मों में अपनी जान पे खेल कर आई, मैं नहीं लाना चाह रही थी। तो इसने कहा कि अब मैंने नहीं करना। तो मैंने कहा शादी ऐसा केस नहीं है, शादी यू नो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, शादी में अगर कह दे कि मुझे अच्छा नहीं लगता मैंने इसके साथ नहीं रहना। हाँ, फिर मैंने नहीं करना इनको चाहिए। इतना तंग किया, इतना इनको पक्का किया। अच्छा, वैसे तो माँ जानती है कि उसने अपनी औलाद को किस तरीके किस से राहे रास्त पे लेके आना। बिल्कुल, क्योंकि बचपना था, नहीं कुछ पता था। और इनकी एक खूबसूरत बात, दोनों मियाँ बीवी जो आप अल्लाह ताला इनको हमेशा कायम और दायम रखे, एक खूबसूरत बात ये थी कि पहले तो मैं नहीं मानी। मैंने कहा दो डिफरेंट फैमिलीज हैं, दोनों के डिफरेंट टेम्परामेंट, डिफरेंट कल्चर है, तो उनका रहन सहन और हमारा, और हो सकता है मैं फिल्म स्टार हूँ, मेरी बेटी को वो लोग तंग करें, ठीक है ना। तो लेकिन वो भी तो उसी इंडस्ट्री में थे। नहीं, वो बाद में है ना, लेकिन फैमिली वाले तो फैमिली नहीं तो नहीं थी ना इंडस्ट्री। हाँ, हाँ। तो इन इन लोगों को काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी, उसको भी एफर्ट करनी पड़ी। उसने मेरे कहने, मैंने कहा तुम्हारा घर नहीं है, घर बनाओ तुम, मैंने कहा तंग आके भाग जाएगा। उसने घर बनाया, और फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी ना, मैं उस वक्त आज भी अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, जब ये दोनों एक दूसरे में इतने इन्वॉल्व हो गए कि इन्होंने वज़ाइफ करने शुरू कर दिए, इन्होंने अल्लाह की तरफ लॉ लगा ली। मैंने कहा रैम्बो अब तुम कुछ भी ना करो, रब को तुमने बीच में मतलब एक रब से सिफारिश लिया, रब से मदद मांगी है, तो अब मैं बंदी कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। कितनी खूबसूरत बात है, खूबसूरत बात है। और ये दोनों ऐसी इंस्पिरेशन है, आइकॉनिक कपल है ये, आज के जो लड़के आते हैं दो मिनट में शादी की उसके बाद भाग गए, जिम्मेदारियों से भाग गए, मोहब्बत से भाग गए, ओम करने से भाग गए, रैम्बो ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। बेशक।